गोरखनाथ मंदिर व श्री राम कथा प्रेम यज्ञ समिति के तत्वाधान में ब्रह्मलीन मोहन वैद्यनाथ की स्मृति में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा के अंतिम दिन मानस कथा मर्मज्ञ मुरारी बापू ने विश्व मंगल कामना के लिए राम तत्व का ध्यान करते हुए कहा कि संस्कृति भाषा में लकार धातु का धत् प्रत्यय जब लगता है तब राम शब्द का जन्म होता है। शुद्ध व्याकरण के अनुसार जब प्रकृति में किसी शुभ घटना का योग्य होता है तब श्री राम का प्रादुर्भाव होता है। राम जन्म मूल सुख है। राम में जब सीता जुड़ जाती है तो यह संयोग परम सुख है। राम अर्थात परम सर्व सुखदायक, राम आनंददायक है, सुखदायक है। राम शब्द का अर्थ है जो सबको प्रिय लगे। राम शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड से निरंतर संवाद। कहीं विवाद विद्वेष विरोध व्याप्त हो जाता है तो क्षमा प्रदान कर शरणागत की रक्षा करते हैं। बापू ने कहा बाल अवस्था सुख की अवस्था है क्योंकि यहाँ बालक पूर्णतः माँ की छाया में होती है और माँ प्रभु श्री राम की तरह सर्व सुखदायी है। यह स्वयं माँ की जानकी है। बापू ने कहा मानस महाग्रंथ में बाल कांड सुख की अवस्था है। अयोध्या कांड और प्रेम दुख की परिचायक। युवावस्था में प्रेम होता है और प्रेम में दुख और पीड़ा ना हो तो वह सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा युवावस्था संघर्ष और दुख की अवस्था है, यह साधना की अवस्था है। बापू ने कहा सच्चे प्रेम में पीड़ा ही फल है, प्रेम शब्द में पीड़ा ही पीर है। जिन्होंने प्रेम का सुख समझकर किया है उन्होंने वास्तव में प्रेम को जाना ही नहीं है। यह निस्वार्थ होता है, यह शाश्वत होता है। प्रेम अयोध्या कांड का मूल विषय है और इसका अर्थ पीड़ा और त्याग है। बापू ने कहा प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियों को आंसू ही प्राप्त हुआ था परंतु यह प्रेम का आंसू था। उत्तराखंड अथवा उत्तरावस्था परम सुख की अवस्था में इसमें पुनः जो सुख अयोध्या कांड में चला जाता है वह परम सुख बनकर लौट आता है। अर्थात परम सुख की प्राप्ति के लिए संघर्षों कठिनाइयों दुख की धारा से होकर गुजरना पड़ता है। अर्थात मेरे युवा भाइयों और बहनों को सफलता का शॉर्टकट नहीं है, आपको परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होगी। अतः परिश्रम करने से तनिक भी संकोच न करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। बापू ने कहा प्रेम करें तो याद रखो सुख की अपेक्षा कभी मत रखना। हृदय से प्रेम करो अतः कारण भी भावना से प्रेम करो। प्रेम से संभव है कि आप लाख वफा करो तो भी सामने वाला राजी ना हो तो क्या करें। प्रेम का स्वभाव ही दुख देना है परंतु वह सुख परम सुख के बदले का दुख होता है। बापू ने कहा मेरे युवा भाई बहनों हमेशा याद रखो आपके पास सब कुछ आ जाएगा तब भी स्वयं परम तत्व के हाथ में है। मानव अभिमानुष कहता है कि मेरे हाथ में सत्ता है, संपत्ति है, मैं शक्तिशाली हूँ, परंतु यह भूल जाता है कि उसे यह सत्ता संपत्ति व शक्ति ईश्वर ने ही प्रदान किया है। जो युवा इस बात को याद रखता है वो हर क्षण हर भक्ति में लीन है। बापू ने कहा कि मैं जब किसी फिल्म का गीत गाऊं तो यह समझना कि वह जहां फिल्माया गया है वह चलचित्र है, परंतु जब वह व्यासपीठ से निकल आता है तो यह परम तत्व पहलू है। प्रेम करोगे तो पीड़ा होगी। बापू ने कहा संसार में वहम को समझने वाले बहुत हैं परंतु प्रेम को समझने वाले विरले ही हैं। वहम इंसान को कमजोर करता है और विश्वास इंसान को कैलाश की भांति मजबूत करता है। बापू ने कहा कल मैंने कहा था कि संगठन राग द्वेष व हिंसा उत्पन्न करता है परंतु इसका निहार्थ है कि साधना में संगठन की आवश्यकता नहीं है, परंतु संस्कृति राष्ट्र धर्म सेवा व समाज की भलाई के लिए संगठन आवश्यक है। समूह प्रार्थना, समूह श्रम, समूह विद्या अर्जन के लिए समूह नितांत आवश्यक है। बापू ने कहा हर बात को समझने के लिए उसका संदर्भ देखना अत्यंत आवश्यक है। बापू ने कहा कई पत्र पत्रिकाओं ने गोस्वामी तुलसीदास के चौपाइयों को पद भ्रष्टक रूप में छाया है क्योंकि उन्हें उस गूढ़ बात की समझ नहीं थी। मानस जैसे ग्रंथ को समझने के लिए प्रभु का दास भक्त बनना पड़ता है। बापू ने कहा तुलसी को गुरुमुख से पढ़ो, उनके भाव को ग्रहण करो। तुलसी जी ने समय काल परिस्थिति के अनुसार मानस महाग्रंथ की रचना की है। बापू ने कहा अंधेरा तो कभी प्रकाश से विवाद नहीं सकता। जब भी प्रकाश को ललकारा गया है तो इसे किसी अन्य प्रकाश ने ही ललकारा, अंधेरे का तो अस्तित्व ही नहीं है, वह प्रकाश से मुकाबला करे। बापू ने कहा एक अच्छा व्यक्ति दूसरे अच्छे व्यक्ति को सत्य के पथ पर ललकार सकता है। बापू ने कथा विस्तारित करते हुए कहा मक्खी, काक और उल्लू यह कभी प्रेम कर ही नहीं सकते। प्रेम बड़ा पवित्र है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें इसके जितना पवित्र होना पड़ेगा तभी प्रेम की प्राप्ति संभव है। मक्खी का स्वभाव ही नहीं प्रेम का। तोता, कोकिला और मयूर जब आपके पास परतंत्र होते हैं ये भाव का प्रदर्शन करते हैं परंतु जैसे ही इन्हें अवसर प्राप्त होता है ये भाग निकलते हैं। अर्थात इनका प्रेम अवसरवादी है। कोयल का स्वर मधुर होता है परंतु यह तो अपने खुद के अंडे कौवे के घोंसले में रख देती हैं, उसे तो अपने बच्चों से ही प्रेम नहीं है। इसी प्रकार मोर की काया अत्यंत सुंदर है परंतु स्वभाव नहीं है। बापू ने कहा सच्चा प्रेम करने वाले तो कुछ और ही होते हैं। बापू ने नारी की केंद्र में रखकर कहा कि ज्योतिष विद्या में छठवें स्थान
पर शत्रु तथा आठवें पर मृत्यु आता है और बीच में सातवें स्थान पर स्त्री का वास है। इसी कारण जनमानस में यह भ्रांति व्याप्त है कि नारी जहां बीच में रहती है तो वह या तो बैर शत्रुआ कराती है या फिर मृत्यु का कारण बनती है, परंतु सच्चे अर्थ में इसकी व्याख्या यह है कि स्त्री जहां होगी वह दो व्यक्तियों, दो परिवारों और दो जगत के बीच के शत्रुओं को मिटाकर प्रेम व्याप्त कर देती है और मृत्यु के पास में गए अपने पति को सावित्री की तरह काल के गाल से भी वापस ला सकती है। स्त्री तो स्वयं आदिशक्ति है, वह प्रेम का प्रतीक है। इब्राहिम बादशाह की कहानी के माध्यम से बापू ने बताया कि यदि कोई बुद्ध पुरुष हमें अपने शरण में ले और पूछे कि बोल तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या लालसा है, अर्थात अगर आपसे स्वयं पूछे कि आपको क्या चाहिए, धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए अथवा मोक्ष चाहिए, तब हमें उसे परमपिता से बोलना चाहिए कि दाता हमें आपकी शरण में आए हैं, आप जो भाव से देंगे वह ग्रहण कर लेंगे। बापू ने कहा, मेरे अर्थों में यही सार शरणागति सप्तक है। बापू ने 9 दिवसीय कथा के केंद्रीय विषय मानस जोगी व नाथ परम्परा का सार बताते हुए कहा कि नाथ परम्परा में शून्य की बड़ी महिमा है, शून्य ही माँ है और शून्य ही बाप है। गोरक्षनाथ और मच्छेन्द्रनाथ एवं नाथ परम्परा के चरित्र को जिसने सुना, वह सुनना ही उसका माता पिता है। जो शून्य की स्थिति को प्राप्त कर लेता है वह योगी परंपरा में शून्य तथा भोगी परंपरा श्रवण करना एक ही है। बापू ने कथा के प्रारंभ में तुलसी तत्व चिंतन नामक पुस्तक का विमोचन किया तथा मुख्य यजमान श्री किशन लाल ने कथा के दौरान अपने सहयोग, सानिध्य व संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा गोरक्षपीठ का आभार ज्ञापित किया। आयोजन में सहयोग करने के लिए पुलिस प्रशासन, मीडियाकर्मी, स्वयंसेवक, NCC के वॉलंटियर्स, मारवाड़ी सेवा संघ, निःशुल्क प्याऊ के लिए व्यवस्था के लिए पूर्वांचल शुद्धि जल, बस एवं वाहन व्यवस्था के लिए रोटरी क्लब, चाय स्टॉल व्यवस्था के लिए डॉक्टर शैलेंद्र दुबे, टिकरीवाल परिवार, तुलसियान परिवार, श्रद्धालुओं के आवासीय व्यवस्था के लिए प्रेमा जी व उनकी टीम तथा गोरखपुर के मेयर सीताराम जायसवाल, जिन्होंने अपने विद्यालय संस्थान श्रद्धालुओं के आवास हेतु पहले दिन से ही उपलब्ध कराया, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। अंत में उन्होंने विशेष धन्यवाद सतुआ बाबा अखिलेश खेमखा को ज्ञापित किया, जिनके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में 9 दिवसीय कथा सकुशल संभव हो पाई।